जम्मू श्रीनगर हाईवे आज रात से 24 घंटे रहेगा बंद। मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक ड्राई डे हुआ घोषित। बड़े छोटे वाहनों को आवाजाही की नहीं होगी इजाजत। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया याद। शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का ऋणी रहेगा राष्ट्र। नए स्वरूप सुविधाओं के साथ खुलेगा चोपड़ा नर्सिंग होम। दिसंबर या फिर जनवरी में फिर से शुरू होने की संभावना। मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी मुहैया। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जरूरी मरम्मत कार्य के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज रात से 24 घंटे का ट्रैफिक ड्राई डे घोषित किया गया है। नवयुग टनल नाशरी के बीच नेशनल हाईवे पर किसी भी बड़े छोटे वाहन को आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि चिकित्सा आपातकालीन वाहनों को इस पाबंदी के दायरे में नहीं रखा गया है। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो 24 घंटे के लिए फिलहाल बंद रखा गया है। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये फैसला लिया गया है क्योंकि कुछ ज़रूरी मरम्मत कार्य के चलते ये फिलहाल आज रात से लगभग 24 घंटे तक ट्रैफिक ड्राई डे के रूप में घोषित किया है। हालांकि जो इमरजेंसी के वाहन होंगे उन्हें इस दायरे में नहीं रखा गया है, उन्हें ज़रूर इजाज़त मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम जुड़ गए हैं रामबन से, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नदीम, जरा बताइएगा ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेगी, क्या स्थिति है, आखिर कहां पर ये कार्य चल रहा है? जी बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह से एक ऑर्डर जो जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि आज रात यानी 21 की रात 12 बजे से 22 की रात 12 बजे तक जो हाईवे है वो ड्राई रहेगा, इस पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। जहां हम एक तरफ देखिए क्योंकि जब पिछले दिनों मौसम खराब हुआ, बारिशें हुई, तो उस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कैफेटेरिया मोड रामबन, मिहाड़ रामबन और ढलवास रामबन के मकाम पर बंद हुआ था। हालांकि कैफेटेरिया मोड और मिहाड़ को तो रेस्टोर करके मोटरबल बना दिया गया। यहाँ की जो रोड की वाइडनिंग जितनी जरूरत की दरकार थी क्योंकि आज दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है उसे तो मेंटेन किया गया, लेकिन ढलवास ऐसा इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से जो रोड है वो सुकड़ गई है। तो कुल मिलाकर अब उसी चीज को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कल के दिन में गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी और ढलवास का जो स्ट्रेच है उसे रिपेयर किया जाएगा। हालांकि जो नायब तहसीलदार चंद्रकोट है उन्हें वहां पर एक मैजिस्ट्रियल ड्यूटी के लिए भी बताया गया है कि आप वहां पे ड्यूटी करेंगे कि किसी भी इमरजेंसी की अगर कोई गाड़ी आती है तो उससे आप किस तरह से डील करेंगे, तमाम सिचुएशंस को टैकल करना है, वो चीजें एक तरफ। और उसके बाद नदीम, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्या आज के दिन ही ये सब जरूरी था क्योंकि रामनवमी और दशहरा भी आगे होने वाला है अगले दो दिन में, तो क्या ये जरूरी था आज इस तरह का कदम लेना क्योंकि जो लोग हैं वो भी आज मूवमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए शीतल मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हाईवे की जब हम बात करते हैं तो हाईवे पर जाहिर सी बात है कि 24 घंटे के लिए रोड मेंटेनेंस का टाइम तो लिया गया है, लेकिन उसके बाद में हम देखें क्योंकि दशहरा और रामनवमी की जाहिर सी बात है कि जो मुतबर त्यौहार है कहीं ना कहीं लोग परेशान तो उससे जरूर रहेंगे, लेकिन एक तरफ हम देखें क्योंकि हाईवे पर हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी है जिन्होंने पूरी पूरी रात हाईवे पर गुजारी है, क्योंकि ढलवास स्ट्रेच जब आपके पास सिंगल है तो गाड़ियों को वहां पर दोनों तरफ से क्रॉस करवाना काफी मुश्किल है। ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें हमने देखा कि जैसे ही हाईवे बारिश की वजह से गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद हुआ था, जब गाड़ियों को अलाउ किया गया तो उसके बाद हमने देखा चाहे वो उधमपुर से लेके रामबन या फिर बानिहाल रामबन के स्ट्रेच पर देखे तो लंबी लंबी कतारें ट्रैफिक जैमिंग की देखने को मिली। तो कुल मिलाकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे रोड हाईवे बंद रह रहा है, तो दोनों सिचुएशंस में आपको हाईवे पर ही रहना है, क्योंकि कल की डेट में चाहे एक दिन पहले अनाउंस किया गया है कि हम एतवार वाले दिन रोड को मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हाईवे पर गाड़ियां चलती भी तो ट्रैफिक जाम में आपको फंसे रहना है, यानी ये चीज कि आप मंजिल पर पहुंचते हैं नहीं। हालांकि इंतजामे की जानिब से जो फैसले लिए गए हैं इस पर ट्रैफिक हुकाम की बात करें, मैजिस्ट्रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, तमाम लोगों ने इस चीज को देखा है और उसके बाद ये फैसला लिया है
कि रोड को मेंटेन करें ताकि आने वाले दिनों में भी लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जो पर्यटक हैं खासतौर पर बाहरी पर्यटक हैं, लगातार श्रीनगर की ओर जाना रहता है, कश्मीर की ओर जाना रहता है, क्या उनके लिए कोई खास तौर पर प्रबंध रखे गए हैं पहले से ही, या उनको जम्मू में ही रोका जाएगा, क्या इस तरह की कोई अपडेट निकल कर सामने आई है? बिल्कुल देखिए शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के अंदर की जब हम बात करें, रामबन के अंदर रामबन के अंदर रोड को मेंटेन किया जाएगा। अब जो भी टूरिस्ट की हम बात करें, चाहे वो वादी कश्मीर के अंदर है या फिर जम्मू से वादी की तरफ जानिब जा रहे हैं, उनके लिए रामबन के अंदर कोई अरेंजमेंट होंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि काजीगुंड से आगे भी किसी गाड़ी को बढ़ने की इजाजत नहीं होगी और जखैनी से आगे भी किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर रामबन के अंदर इस तरह के इंतजाम होंगे नहीं, और अगर जो लोग फंसेंगे भी, क्योंकि ये एक जो है ऑर्डर 24 घंटे के लिए रोड बंद करने से 24 घंटे पहले जारी किया गया है। आज रात अगर ये रोड बंद हो की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कल रात ही गुजश्ता शब ही ये ऑर्डर जारी कर दिया गया, ताकि जो भी लोग हाईवे पर है अपना सफर करने जा रहे हैं वो पहले से ही प्लान रखें कि हमने किस तरह से निकलना है, कब निकलना है, ताकि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं जम्मू या कश्मीर के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू रामबन डिस्ट्रिक्ट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लगातार लोग कश्मीर की ओर जाते हैं, श्रीनगर की ओर जाते हैं, क्योंकि पर्यटक कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं, उसको लेकर ये बड़ी अपडेट है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे अगले 24 घंटे तक फिलहाल के लिए बंद रहेगा, और कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है, जो नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस है, उसको लेकर ये रोड जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। आईपीएस डॉक्टर विनोद कुमार जम्मू नए एसएसपी नियुक्त किए गए हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस चंदन कोहली के तबादले के बाद नई जिम्मेदारी मिली है, उधमपुर जिले से पुलिस महकमे ने जम्मू के लिए तबादला किया है, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आईपीएस डॉक्टर विनोद कुमार को अब नई जिम्मेदारी मिली है एसएसपी के पद पर, उन्हें यहां पर नियुक्त किया गया है, यानी जम्मू के नए एसएसपी अब डॉक्टर विनोद कुमार होंगे, आईपीएस डॉक्टर विनोद कुमार होंगे। आपको बताना चाहेंगे, आईपीएस चंदन कोहली के तबादले के बाद उन्हें ये नई जिम्मेदारी मिली है। आपके टी स्क्रीन पर भी ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, किस तरह से अब जो पहले चंदन कोहली यहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह नए चेहरे को यहां पर जो है वो नियुक्त किया गया है। आईपीएस डॉक्टर विनोद कुमार अब नई कमान, पुलिस की कमान जम्मू के अंदर संभालेंगे, यानी वो यहां के नए एसएसपी होंगे, और उधमपुर जिले से पुलिस महकमे ने भी ये जम्मू के लिए तबादला किया है। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ इस वक्त अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, नए एसएसपी होंगे और नई तरीके की जिम्मेदारी होगी और नई तरीके की चुनौतियां भी होंगी। साफ है कि शीतल, नई चुनौतियां होंगी और नई जिम्मेदारियां भी होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो लगातार चाहे वो अन्य केसेस है, चाहे वो चोरियों से लेके, चाहे वो किसी भी तरह का नार्को टेरर एंगल है, उनको ऊपर नजर रखना बेहद चुनौतीपूर्वक होगा। क्योंकि इससे पहले एसएसपी चंदन कोहली जी की बात करते हैं और इससे पहले भी अपनी सेवाएं जो है ये यहाँ पर दे चुके हैं, और इससे पहले आप उधमपुर में थे और अब जो है इन्हें सेवानिवृत्त कर जो है अगर हम बात करते हैं तो इन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए तो एक चुनौती पूर्वक भी रहने वाला है और कहीं ना कहीं आप चैलेंज भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो खासकर जम्मू खिते की बात करें जिसमें जम्मू खिता है, खासकर जो जम्मू खिते का पदभार है, कहीं ना कहीं खास रहने वाला है, जिसमें मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो जो यहाँ पर लगातार इस आए समय जो है केसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, चाहे वो किसी भी संबंधित से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो उनको मद्देनजर रखकर जो है अब नया पदभार संभाला गया है। अनिल, आपने 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 बात नार्को टेररिज्म की, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जम्मू की बात करें या जम्मू के जो बॉर्डर इलाके हैं, नार्को टेररिज्म का जो गिरोह है, ये जो आतंक है, ये लगातार बढ़ रहा है, तो अगर पिछले मुकाबले की बात करें तो अभी की क्या स्थिति है और कैसे आपको लगता है कि ये नई जिम्मेदारी जो है ये संभाल पाएंगे, खास तौर पर नार्को टेररिज्म को लेकर? देखिए खासतौर पर नार्को टेररिज्म को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस समय चैलेंजिंग जो है वो काफी ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, और कभी मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ये साफ कहा कि जो इस समय मुख्य तौर पर जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो नार्को टेररिज्म की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती पूर्वक जो है वो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है।
वो उस पर चुनौती पूर्वक इसीलिए बन जाता है कि इसके चैलेंज को जो है वो उसे डिमोलिश कैसे करना है और इसे खत्म कैसे करना है, एक उस पर जो है चैलेंजिंग बन जाएगा। हालांकि इससे पहले भी जो हाल ही के SSP हैं वो काम कर रहे थे और उधमपुर में भी ये बेहतर काम कर रहे थे और अब इन्हें जम्मू में लगाया गया है, तो अब ये मुख्य चैलेंज और भी बन जाता है कि जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू को किस तरह से सुरक्षित रखना है, युवाओं को नशे से दूर रखना है, युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर नहीं जाने देना है, तो एक बेहद चैलेंजिंग रहेगा। चाहे वो अन्य केसेस का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कोई भी स्तर का कोई भी केस होगा तो उस पर जो है पुलिस की और पुलिस की टीम की जो है वो पूरी तरह से निगाहें रहती। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कप्तान लीडर होता है, जो एक लीड करता है पूरी टीम को, उस पर काफी जिम्मेदारी रहती है उसके कंधों पर। खासतौर पर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर जो नार्को टेररिज्म है या बाकी जो आतंक का लगातार सिलसिला पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि अब जम्मू में नए SSP होंगे। आपको एक बार फिर से बताते हैं, IPS डॉक्टर विनोद कुमार जम्मू के नए SSP नियुक्त किए गए हैं, जो तस्वीर आपके टी स्क्रीन पर भी है। और पहले यहाँ पर IPS चंदन कोहली थे और उनका तबादला हो गया है। उधमपुर जिले से पुलिस महकमे ने जम्मू का तबादला किया है, यानी अब नए तौर पर यहाँ पे नई जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर ये पद जो है वो संभाला गया है। आज का दिन यानी 21 अक्टूबर देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस फोर्स को समर्पित है। देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भी पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए बलिदान व राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता बनाए रखने के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जम्मू में हर साल की तरह इस बार भी पुलिस मार्टिर्स मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में दौरान पुलिसकर्मियों की शहादत पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। जम्मू जोन के IG आनंद जैन सहित पुलिस महकमे के अन्य अधिकारियों व जवानों ने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान की गाथा को याद किया है। को हमारे जवान जिन्होंने अपनी शहादतों से हमारी सुरक्षा है उसको भी एक बल दिया है, उनको उनके जज्बे को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और जितने भी सभी पुलिसकर्मी हैं उनको मैं बधाई देता हूं इस दिन पर कि हमारे जवान जो अपने विगत वर्ष में शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को भी सलाम है। धन्यवाद। वही पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल के अलावा जम्मू स्थित पुलिस मुख्यालय में भी आज शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां बनाए गए शहीदी स्मारक पर पुलिस अधिकारियों व जवानों के अलावा शहीद परिवारों ने शहीदों को नमन कर उनके बलिदान को याद किया गया। जम्मू जोन के IG आनंद जैन सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी पुलिस स्मृति दिवस पर जम्मू स्थित पुलिस मुख्यालय में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। टीम जम्मू द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहयोग से लगाए गए इस शिविर में पुलिस के जवानों के अलावा टीम जम्मू के सदस्यों ने रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। जम्मू जोन के IG आनंद जैन ने इस शिविर का दौरा कर स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोगों की पीठ भी थपथपाई। अपने जवानों की जो शहादतें हुई हैं उसको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसी संदर्भ में आज हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हमारे जवान और टीम जम्मू के लोग उन्होंने शिरकत की और
ये जितना भी फ्लड वगैरह हुआ ये किसी अच्छे काम के इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इस दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और कहता हूँ कि हम उन वीरों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए श्रद्धांजलि अर्पित की, और हम ये भी प्रण लें कि इस दिन हम लोग अपनी ड्यूटी के लिए अपने प्राणों को निछोड़ने से पीछे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में स्थित चोपड़ा नर्सिंग होम जल्द ही अपने नए स्वरूप और नई सुविधाओं के साथ खुलने जा रहा है। इसकी जानकारी जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने दी। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के मुताबिक चोपड़ा नर्सिंग के जीर्णोद्धार का काम जोरों शोरों से चल रहा है और दिसंबर या फिर जनवरी तक इसके फिर से शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम में आधुनिक उपकरणों के साथ साथ मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टरों के उठने बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। देखिए, चोपड़ा नर्सिंग होम, मैं तो इस कॉलेज में काफ़ी 20-25 साल से काम कर रहा हूँ और एक बहुत ही एक बेहतरीन फैसिलिटी थी लोगों को एट ए अफोर्डेबल प्राइस स्पेशल रूम, प्राइवेट रूम देने की। मैंने खुद भी पेशेंट एडमिट किए हैं, ट्रीटमेंट भी किया है और बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ देर के बाद इसमें बंद करना पड़ा ड्यू टू वेरियस सिविल एंड मैकेनिकल फॉल्ट्स इन द बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट ने इसको रिजुवनेट करने के लिए प्लान बनाया और कुछ सालों से प्लान चल रहा है और आई थिंक बहुत ही जल्दी आप कुछ महीनों के अंदर इसको बिल्कुल ही आप फंक्शनल देखेंगे। वी आर पर्सनली मॉनिटरिंग इट और हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक नया मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करें ताकि ही कैन पुश इन थिंग्स एन अ फास्टर पेस। तो इसमें जो रूम्स होंगे, 5 फ्लोर बिल्डिंग है, कुछ रूम्स ऊपर हमारे फैकल्टी को हम बैठेंगे, हमारी सीनियर फैकल्टी बैठेगी, और पेशेंट्स के लिए 3 फ्लोर ऑपरेशन थिएटर्स और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हम डेफिनेट लैब फैसिलिटीज करेंगे और डेफिनेटली हमारा बैकअप जो हॉस्पिटल का है वो अवेलेबल रहेगा। बट आई मीन इसकी अगर आपको कोई हु कैन अफोर्ड एंड एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू द व्हाट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, यू विल गेट प्राइवेट रूम्स, वेरी वेल इक्विप्ड वेल फर्निश्ड प्राइवेट रूम्स, एयर कंडीशन रूम्स आपको मिलेंगे और ऑफकोर्स हमारी जो जीएमसी की बैकअप तो रहेगी रहेगी पूरी। बट आई मीन टू से इसकी जो हमारे पेशेंट्स हैं जो उनको बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए, जनरल वार्ड से जो बेटर फैसिलिटीज चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रहेगी ये। और आई थिंक हमारे जो इंजीनियरिंग विंग से हम पीछे पड़े हैं उनके जल्दी स्टार्ट करें, दिसंबर जनवरी का टारगेट रखा है तो हम कोशिश करेंगे वो टारगेट को मीट करें और ये फैसिलिटी हमारे जम्मू की पब्लिक को अवेलेबल करवाएँ। जो पहले जब बने थे बात कुछ और थी, अब जो एनेसेसिया वर्क स्टेशन चेंज हो गया है, ऑपरेशन टेबल्स चेंज हुए हैं, एज़ पर रीसेंट लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स जो जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें 2 फ्लोर रखे हैं क्योंकि हमारी फैकल्टी की बहुत बड़ी डिमांड थी कि काफ़ी हमारी सीनियर फैकल्टी जो है उनको बैठने के लिए कमरे ऑफिस ही नहीं है। तो ये पहले भी हमारे ऑफिस थे वहाँ पे, इनफैक्ट हम उसको बस सब इसको फर्निश करके और रेनोवेट करके उनको ऑफिस दे रहे हैं एज़ पर देयर स्टेटस। प्रोफेसर को अलग ग्रेड होगा, एसोसिएट प्रोफेसर या लेक्चर्स के हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से उनको रूम्स स्पेस देंगे ताकि दे कैन सिट देयर प्रिपेयर देयर लेक्चर्स, क्योंकि हमें पढ़ाना भी पड़ता है स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को, रिसर्च में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, पेपर पब्लिश भी करते हैं, तो डेफिनेटली ऑफिस स्पेस तो चाहिए होगी, इसलिए हमने 2 फ्लोर उनको ऑफिस फ्लोर के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए फैकल्टी को देने का बनाया है और उसमें हमने अलॉटमेंट स्टार्ट भी कर दी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण आरसपुरा और बिश्नाहा में धान की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई भी अधिकारी बारिश से तबाह हुई फसल का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिससे पीड़ित किसानों में भारी रोष है। गुसाई किसानों का आरोप है कि उनकी आय दोगुनी करने को लेकर बड़े बड़े भाषण तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इन किसानों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों से लगातार उनकी फसलें मौसम की मार भेंट चढ़ रही है, लेकिन सरकार उनके नुकसान की भरपाई के नाम पर उनके साथ मजाक ही करती आ रही है। उनकी आर्थिक हालत बेहद खस्ता हो चुकी है और अब अगली फसल लगाना उनके बस की बात नहीं है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी खराब फसल का जायजा लेने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। फसल के बारे च सारे चाहते हैं, अस जे जिमीदार हाँ, सानू भाषण ने जोड़े सरकार की बखी का जो डिपार्टमेंट होंगे उनकी बखी का बड़े बड़े सानू खाब दसे जाते हैं कि आने वाले टाइम च जिमीदारें की जी इनकम है वह दूनी होवा दी है। दूनी साड़ी इनकम के करनी इन्हें, किसी सानू भगवान की मार है, किसी सानू सरकार की मार है।
साढ़े कने पांच साल का पिछे इये काम चली आ रहा है। हर बारी कदे जी सा कणक है वह खराब हो जाती है, कदे जी मुंजी है वह खराब हो जाती है। इस साल देखो बड़ी मेद है लोगों की, 80 फसल है, बड़े पैसे लाए दे लोगों, बड़िया खादा पाई दी, बुआई दी दी, बड़े खर्चे किए, तन मन लाइए, सारे पैसे इतने खर्ची उड़े दे। इतने तक आ कि कई लोगों अपने बच्चे फीसा तक नहीं दतिया, उन्हें बेचारे हूं तक स्कूल से दुआर देना फीसें का, ओकड़े पैसे भी जेडे फसल उपर लाई उड़े। फसल बड़ी अच्छी ही, बड़ा मन खुश हा, फसल है जी एंड मौके पर सारी तबाही पटोई फसल की, कोई फसल च एक दाना नहीं रहा, खाली जी पराली है डंगर पराली भी सानू जी मुल्ले लेने पौनी है क्योंकि फसल च पानी है, जी पराली है वह साड़ी गली ही है, दाने ने जेड़े वह भी किस काले पे हैं तो किस पतल होइए, जिले अस इन्हें दाने ही कुतें लेइए जागे पतल आए, यह भी कुछ ने लैने उल्टे सानू किराया पाना। अस चाहते हैं जी सरकार है, सरकार साढ़े लिए किस सोचे, साड़ी इनकम दूनी करा दी है, हूं तक हफ्ता हुई है, अज की डेट तक ना कोई महकमे का बंदा आया, ना कोई और सरकार की बखी का जिन्हें भी डिपार्टमेंट ने, चाहे वह रेवन्यू डिपार्टमेंट है ज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ज कोई भी है। इस फसल के बारे जनाब मैं ये आखना चाहना कि इसलिए धान की फसल जी है इसलिए पूरी चाली मतलब तैयार ही, लेकिन कुदरती मार पई, बरखा पिछले हफ्ते की लगातार लगी थी जिदे कारण फसल डिगी पे, हवा तूफान चले न कुदरती मार करने पूरी फसल तबाह हुई है, डिगी गई है, दाना जोड़ा वो पीड़ा पी है, कला पी है, पराली बिल्कुल खत्म हो गई है, पर पशु वास्तव में नहीं, तो किसान जिस रीढ़ की हड्डी आख्या जाता है सरकार की तरफा, और रीढ़ की हड्डी जी उ मतलब उसका गै लक टुटी जाता तो सरकार किए चलेगी, देश किए चलेगा, जोड़ा किसान है वह दारो मदार गया सारा फसल उपर है, उन्हें जिन्हें भी खर्चे कटने बच्चे की फीस देनी है, कोई डॉक्टर का देखना जब बेकना बरतना सारा फसल पर होता, पांच सत्त साल हो गए कदें कणक कदें मुंजी, मतलब मेन फसल जी मौसम की मार करना तबाह हो जाएँ, तो सरकार ऐसे ऐसे वादे करती है कि साड़ी रीढ़ की हड्डी है इंदी असें आमदनी दुगनी त्रिगनी करी उड़नी, मैं देखना पिछड़ा काम चली है वह ही नहीं सके ऐसा कि किसान किसान नहीं करना गै छोड़ी उड़ा, और देश साड़ा जोड़ा एक एक दाने की तरसदा रहा है, सानू फॉरन बच्चा गै दाना मंगवाने पे, इस करिए शुद्ध लैसी जा टाइम सिर, और इनका जिन्ना भी मुआवजा बनता यह नहीं है कि 500 रुपया 200 रुपया वह भी चैक जिथू है वह भी सारे नहीं थोड़ा कुछ कुछ हूँ, हूँ 200 रुपया साढ़े इस ग्रां के लोग अगर बिछना बैंक जाते हैं 200 का चैक कैश करवा उनका तो किराया लगी जाता, यह मजाक करती है सरकार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, कम से कम एक फिक्स रेट पर कनाल उदा पूरा इन्हे सर्वेयर न पटवारी न तहसीलदार और एग्रीकल्चर महकमा भी है वह जानता कि खाद किन्ने की पौंदी बुआई किन्नी है बीज किन्ना पूरा पूरी कैलकुलेशन करिए उसके कोला बद इस रीढ़ की हड्डी देइए उसका इलाज किया जाके अगला फसल राने वास्ते भी तैयार होए, नहीं तो जमीन छड़ी उड़ग राणा बाणा काम छड़ी उड़ग। फसल मतलब बारिश होंदे इत्थे ते फसल खराब हो गई है ते पूरी लेटी हुई है ते इस वास्ते कोई अजे तक पता लैन नहीं आया इत्थे की गल है इहदे बारे सरकार ने इहदे बारे च पता करना चाहिए और मुआवजा दिता जा। रुद्र शारदी नवरात्रि पर आज माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु माँ कालरात्रि के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है जहाँ सुरक्षा मनोकामना पूरी की है। हम भी माता के दर्शन के लिए आए हैं, सभी माता रानी सबकी माता रानी मनोकामना पूरी करे, यही मेरा कहना है। जय माता की। बस मेरे सब भक्तों के लिए आशीर्वाद होना चाहिए माँ की, तो अपनी भक्ति में हम अच्छे से चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, जितनी माँ के अंदर श्रद्धा है भक्तों के लिए, इतनी किसी चीज़ के लिए श्रद्धा नहीं है। चलिए इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।